कोरोना के चलते कई लोगों के रोजगार के साधन छिन गए। इस दौरान दोस्तों और कई सामाजिक संगठनों ने लोगों की मदद की। ऐसा ही वाक्य भोपाल में देखने को मिला, जहां कोरोना के चलते मुन्ना पहलवान की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसको देखते हुए दोस्तों के एक समूह ने मुन्ना पहलवान की मदद की और उनको पान की दुकान खोलने के साथ आर्थिक सहायता भी की। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए, वहीं कईयों के धंधे चौपट हो गए। लोगों की आर्थिक स्थिति इस कदर बिगड़ी कि खाने के भी लाले पड़ गए। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए लोगों की मदद की। भोपाल में दोस्तों के एक समूह ने कई लोगों की इस कोरोना के दौरान मदद की। दोस्तों के समूह ने कोरोना के चलते मुन्ना पहलवान की सहायता करते हुए उनको एक पान की दुकान खुलवाई, जिससे वे अपना भरण पोषण कर सकें। और इस पान की दुकान का नाम भी उन्होंने दोस्त पान सदन रखा। संजीव कॉलोनी के अध्यक्ष ने बताया कि उनका एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिसके माध्यम से वे सभी दोस्त मिलकर गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। इस दौरान पूर्व पार्षद वहीद लश्करी ने बताया कि उनका दोस्तों का समूह है जो हर क्षेत्र में है, जिसके माध्यम से वे सभी लोगों की सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे ग्रुप तैयार करें और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। दोस्तों की इस मदद से मुन्ना पहलवान काफी खुश नजर आए और उन्होंने सभी दोस्तों को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद किया। क्या है भैया, हमारे 1980 से हम लोग सब साथ हैं पूरा, और अलग अलग सर्किल में लोग काम कर रहे हैं। कॉलेज की लाइफ के बाद में कोई सर्विस में लग गया, कोई बिल्डरशिप कर रहा, कोई धंधों में लग गया, तो हम लोगों का एक ग्रुप है। जब भी किसी हमारे दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, हम सब इकट्ठा को उसकी मदद करते हैं। इसी तारतम में हमारे लखविंदर सिंह और हमारे ग्रुप ने मुन्ने भाई की दुकान बनवाई, जो पूरी टूट चुकी थी। मुन्ने भाई की लॉकडाउन में स्थिति बहुत खराब हो गई थी, सभी दोस्तों के माध्यम से इनकी मदद हुई और आज इस लाइफ बनाया। आप ये जो देख रहे हैं, ये हमारा सन 1985 से दोस्तों का एक ग्रुप है। हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। उस सामाजिक कार्यों के अंतर्गत हम लोगों ने गैस कांड में भी बहुत मदद करी थी। लॉकडाउन हुआ था, अभी भी इसमें हम लोगों ने गरीबों को कपड़े बांटे, खाना वितरित किया। इस तरह से हम लोग सामाजिक कार्यों का एक बीड़ा अपनाया हुआ है हम लोगों ने। हम स्कूल और कॉलेज के दोस्त हैं, 250 दोस्त हैं हम लोग। तो इसी श्रृंखला में जब हम लोग देखते हैं कि जहाँ हम लोगों की जरूरत है, तो हम सब ये मिल करके इकट्ठे हो जाते हैं। अभी आप जो एक दुकान देख रहे हैं, ये हम दोस्तों ने मिल करके, ये दुकान मुन्ना भाई की थी। मुन्ना भाई की स्थिति गड़बड़ हो गई थी लॉकडाउन की वजह से, 6 महीने से परेशान थे। हम सब दोस्तों ने मिलकर के जो दुकान का निर्माण किया। अब ये इनका तो मैं एहसान का भी भूल नहीं सकता। इन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है लॉकडाउन में भी, और अभी भी मेरी दुकान इतनी टूटी टाटी थी कि मेरे को खुद अपने आप को ऐसा लगता था कि छत सर के ऊपर गिरने वाली है। और ये कॉलेज टाइम से स्टूडेंट से जब से मेरे इनसे संबंध है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।